साझा है। प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं। बीजेपी ये लोग तो पहले 300 सीटों की बात करते थे। मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। आप अपराधियों को पालेंगे, जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या अपराधी नहीं था? ये किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। मैंने इससे पहले भी रथ जब चलाया था तब सरकार बनी थी, और पिछली बार 11 में जब मैंने रथ चलाया था तब भी सरकार बनी थी। 80 हराओ, भाजपा हटाओ। मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के बेटे समाजवादी पार्टी के बिग बॉस अखिलेश यादव, एक ऐसा चेहरा जिसे न तो सत्ता पक्ष इग्नोर कर सकता है और न ही विपक्ष। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। एक ऐसा युवा नेता जिसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले सूबे पर शासन कर विकास पुरुष की पहचान बनाई, और अब दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है, बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है, तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। इस विपक्षी एकता के एक मजबूत स्तंभ और मजबूत चेहरे के रूप में अखिलेश यादव जी की पहचान स्थापित हुई है। मैं कह सकता हूँ देश की राजनीति में शायद ही कोई लीडर ऐसा होगा आज के समय में जिनके अंदर इतनी बहुआयामी खूबियां रही हों। 23 साल की सियासी यात्रा में अखिलेश यादव ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी की छवि बदली बल्कि कई चुनौतियों से लड़ते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में सबसे ज्यादा मतदान कराने वाले नेता भी बने। लेकिन सवाल है, क्या अखिलेश यादव की छवि से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्या अखिलेश यादव 2024 में मोदी योगी की जोड़ी को चुनौती दे पाएंगे? क्या इंडिया को जितवाने के लिए अखिलेश का PDA फॉर्मूला काम करेगा? उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके, देश की जनता का आशीर्वाद लेके हमारी समाजवादी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के। अखिलेश यादव की राजनीति पिता मुलायम सिंह यादव से अलग है। जब तक पिता साथ थे, अखिलेश यादव का हर प्रयोग सफल रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुलायम सिंह यादव के सियासी और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में अखिलेश यादव अब तक कोई बड़ा कमाल नहीं कर सके हैं? अखिलेश का राजनीति में आना एक संयोग ही था, लेकिन अपनी सियासी समझ से उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए नए रास्ते बनाए और नई पहचान दी। साल 1999 जब अखिलेश राजनीति से दूर थे तो पिता मुलायम सिंह यादव लोकसभा 2 सीटों से लड़े, संभल और कन्नौज, और दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज सीट खाली कर दी और उपचुनाव में वहां से किसी और को लड़ाने की चर्चा छिड़ गई। उम्मीदवार के नाम को लेकर माथापच्ची के बीच समाजवादी पार्टी में राय बनी कि मुलायम सिंह की छोड़ी गई सीट कन्नौज तभी बच सकती है जब वहां से उनके बेटे अखिलेश यादव चुनाव लड़ें। राजनीति में आने से पहले अखिलेश यादव ने सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई के दौरान वो कभी किसी सियासी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव ने साल 2000 में पहली बार उन्हें चुनाव मैदान में उतारा तो अखिलेश ने BSP के अकबर अहमद डंपी को हराकर कन्नौज की सीट जीत ली।
साल 2000 में 27 साल की उम्र में अखिलेश यादव पहली बार सांसद बने। साल 2004 में दोबारा सांसद चुने गए, लेकिन 2007 में मायावती ने मुलायम सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। उस वक्त समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई थी। 2007 में हार के बाद समाजवादी पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती गई। पार्टी में निराशा का माहौल था। साल 2009 में समाजवादी पार्टी को पहली बार बड़ा झटका लगा जब अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल भी चुनाव मैदान में थी। साल 2009 समाजवादी पार्टी की सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अखिलेश यादव तीसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बने, लेकिन फिरोजाबाद लोकसभा सीट से पत्नी डिंपल यादव कांग्रेस के राज बब्बर से चुनाव हार गई। इस हार ने अखिलेश यादव को हिलाकर रख दिया। मुलायम सिंह यादव को भी इस हार की उम्मीद नहीं थी। फिरोजाबाद से पत्नी डिंपल की हार को अखिलेश ने एक चैलेंज के रूप में लिया, एक बदलाव के लिए मंथन शुरू किया और उस कमजोरी को पकड़ा जिसकी वजह से हार हुई। पार्टी के ऊपर से उठता जनता का विश्वास और उस खराब छवि के पीछे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह का चेहरा नजर आया। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव का विश्वास जीता और अमर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल थी, लेकिन असल में यहीं से अखिलेश यादव का चुनौतियों वाला सियासी सफर शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने अघोषित रूप से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ चले। जनता के माध्यम से जवाब देंगे, मुद्दों के आधार पर संघर्ष छिड़ेगा। साल 2010 में पार्टी की खराब छवि को समझने के लिए एक सर्वे करवाया। आम लोगों की राय के मुताबिक समाजवादी पार्टी की छवि अच्छी नहीं थी। इसकी वजह भी सामने आई, गुंडा राज और जातिवाद की राजनीति। अखिलेश यादव को इसका हल तलाशना था और जल्द ही बाहुबलियों से निजात, युवाओं की भागीदारी और मायावती का तोड़, इन तीनों पर काम शुरू हो गया। अखिलेश ने पढ़े लिखे युवाओं को पार्टी संगठन से जोड़ा, जिसका असर दिखा। पार्टी की छवि बदलने लगी और फिर शुरू किया 2012 का युद्ध। इस महासंग्राम में मैदान में खुद ही मोर्चा संभाला और पिता की तरह ही रथ यात्रा के अलावा साइकिल से यात्रा भी शुरू की। अखिलेश यादव इस बात को समझ गए थे कि गुंडा राज की छवि से पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए बाहुबलियों से समझौते करने के लिए राजी नहीं थे। अखिलेश यादव ने बाहुबली नेता डीपी यादव के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए। अखिलेश के इस स्टैंड का असर न केवल कार्यकर्ताओं पर बल्कि जनता पर भी दिखाई दिया। 2012 में भले ही चुनाव की रणनीति दिग्गजों ने बनाई हो, लेकिन युवाओं को जोड़ने का काम अखिलेश ने किया। अखिलेश यादव ने साइकिल को दौड़ाने के लिए खुलकर उड़ान भरी, क्योंकि यूपी का विधानसभा चुनाव हार जीत तक ही सीमित नहीं था। ये वो महासंग्राम था जिसमें समाजवादी पार्टी के टीपू को सुल्तान बनना था। 2012 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। 2007 में समाजवादी पार्टी की 97 सीटें थी। 2012 में उसने 224 सीटों पर कब्जा किया। 2007 की तुलना में एसपी ने 127 सीटें ज्यादा पाई। इस जीत ने यूपी को एक नया मुख्यमंत्री दिया और समाजवादी पार्टी को एक नया चेहरा। 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव ने यूपी के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की कमान तो संभाल ली, लेकिन कहा जाता है कि शुरुआती महीनों में पूरी ताकत उनके हाथ में नहीं थी। तो टीवी और अखबारों के बारे में पढ़ते हैं और उसके माध्यम से जानते हैं लोग, वो तो स्वीकार करते हैं 5.5 मुख्यमंत्री। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में रहकर के सवाल जवाब पूछेंगे, वो जानेंगे कि हाँ, मुख्यमंत्री एक ही है और काम कर रहा है। शुरुआती 2 साल तक असल में सत्ता की ताकत शिवपाल सिंह यादव और आजम खान के पास थी और अधिकारी भी उन्हीं की सुनते थे। और इस वो जो एक दौर था, उसमें ना केवल पार्टी की, ना केवल सरकार की, बल्कि अखिलेश यादव की छवि को भी बेहद आघात लगा था। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने तो 1.5 साल तक तो कोई स्थिति ऐसी बनती नहीं थी जिसमें वो कुछ परफॉर्म कर पाए। वो कभी चाचा को खुश करते थे, कभी आजम खां को खुश करते थे, कभी नेताजी की नाराजगी दूर करते थे।
2013 में मुजफ्फरनगर दंगे ने अखिलेश के दामन पर दाग लगा दिया। एसपी सरकार पर दंगा करवाने के आरोप लगे। उस दंगे में 62 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। दंगे की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि इस बीच सैफई महोत्सव में बॉलीवुड के सितारों से डांस करवाने को लेकर समाजवादी पार्टी की खूब किरकिरी हुई। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद से अखिलेश के तेवर बदले और सरकार को अपने कंट्रोल में ले लिया। ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन के काम शुरू किए। लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे की नींव रखी। पिता मुलायम सिंह यादव ने 2 साल में एक्सप्रेसवे चालू करवाने का वादा लिया और वादे के मुताबिक अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड समय में 302 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनवाकर चालू करा दिया। यही नहीं, सुल्तानपुर के पास बने एयर पट्टी पर विमान उतारकर इतिहास रच दिया। ये विजन समाजवादियों का था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री हरकुलिस से हवाई हाईवे पे उतर पाए। अगर उन्हीं का विजन था तो देश में कहीं और हाईवे क्यों नहीं बनाया उन्होंने? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मौका मिला प्रदेश में काम करने को, तो उन्होंने जहां एक्सप्रेसवे जैसी चीज़ों को लाकर, मेट्रो जैसी चीज़ों को लाकर, लैपटॉप से आम जन को जोड़ के, जो देश और दुनिया के बड़े से बड़े विद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले, विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को जो सुविधाएं हो सकती थी, वो सुविधाएं उन्होंने आम गरीब परिवारों के छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया। एक ओर अखिलेश विकास के दम पर सत्ता में लौटने का सपना पाल रहे थे, तो दूसरी ओर घर के अंदर बगावत की आग सुलग रही थी। 2016 में समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया। मैं नहीं कहता कि हमारे नौजवानों की परीक्षा लेनी है आपको, मैं नहीं कहता कि पंडाल में बैठे हुए किसी की परीक्षा लेनी है। अगर किसी को परीक्षा लेनी है, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। जो परीक्षा चाहे आप परीक्षा ले लो। मंच पर चाचा भतीजे आमने सामने थे। बातचीत का सिलसिला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया, और ये आशु मलिक ये झूठ है। इस संग्राम के पीछे अमर सिंह की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन सत्ता की लड़ाई में सबसे ज्यादा मजबूत अखिलेश यादव बनकर निकले और पार्टी पर अपना दबदबा कायम रखा। वहीं चाचा शिवपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। 2012 के बाद 5 साल तक अखिलेश की राजनीति कई मोड़ से होकर गुजरी। अखिलेश यादव मंच से माफियाओं को दूर करने लगे और अपनी साफ छवि के भरोसे कांग्रेस का हाथ पकड़कर 2017 के महासंग्राम में कूद पड़े। यूपी की अब बात अलग है, इसकी तो अब ठाट अलग है। यूपी ने कर ली तैयारी, साथ में हम हैं सब पे भारी। वो जिन 13 सीटों के लिए झगड़ा कर रहे थे, उन 13 सीटों में 4 सीटें ऐसी थी जो खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने 9 सीटें शिवपाल सिंह यादव के मन के लोगों को नहीं दी और उन्होंने 100 सीटें कांग्रेस के साथ देकर समझौता कर लिया। पारिवारिक में भी जो समस्या थे वो शिवपाल यादव थे, लेकिन शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग होकर कुछ कर नहीं पाए। 2014 लोकसभा के बाद 2017 में अखिलेश की दूसरी बड़ी हार हुई। 2009 लोकसभा चुनाव में एसपी 23 सीटों पर जीती थी, लेकिन 2014 में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें 224 से घटकर 47 पर आ गईं। मुलायम सिंह यादव जी ने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो उनके साथ पॉलिटिकल लोग बहुत थे, लेकिन जब अखिलेश यादव ने पॉलिटिक्स शुरू की तो इनके पास ऐसा कोई चेहरा, कोई नाम और कोई राजनीतिक समझ वाला आदमी नहीं है। मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसे लोगों से अनावश्यक मिलते थे जिनसे उन्हें फीडबैक मिले। अखिलेश यादव के पास कुछ गिने चुने लोग हैं, वो उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं के फीडबैक पर विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हार का सिलसिला यही नहीं रुका। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया। इस चुनाव में भी एसपी कोई कमाल नहीं कर पाई। एसपी के खाते में लोकसभा की सिर्फ 5 सीटें आईं, जबकि बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। 2017 में 47 सीट थी,
19 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, तब भी 64 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने दम पे अपने साथियों को लेकर जीती थी। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़े दलों की जगह छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। उस वक्त रैलियों और रोड शो में भीड़ देखकर विशेषज्ञों ने अखिलेश की जीत की भविष्यवाणी तक कर दी। समाजवादी पार्टी को भी लगा कि जीत उसके हाथ में है। अखिलेश ने चुनाव जीतने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सत्ता फिर से बीजेपी के हाथ में थी। समाजवादी पार्टी की चूक आप उसे नहीं कह सकते। 2022 का जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने हद दर्जे से लोकतंत्र का जिस तरह से अहित किया है वो तरीका लोकतंत्र में फेयर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अखिलेश के नेतृत्व की सबसे अच्छी बात ये रही कि उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी को स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा वोट मिले। 2012 में 29.13% वोट पाकर अखिलेश यादव ने सरकार बनाई थी। 2017 में 21.82% वोट पाकर वो सिर्फ 47 सीटें जीत पाई, जबकि 2022 में 32.06% वोट मिले और उसे 111 सीटों पर जीत मिली। पिछला चुनाव हुआ था जिसमें योगी 2 की सरकार बनी, वो माना जा रहा था कि ये ऐसा चुनाव है कि अखिलेश यादव फिर से रिप्लेस कर देंगे बीजेपी की सरकार को और सत्ता पे आ जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से अखिलेश अकेले पड़ गए। पिता का साया हटते ही विरासत बचाने की चुनौती सामने थी। अखिलेश ने हर मुश्किल का सामना किया और मैनपुरी के महासंग्राम में चाचा शिवपाल को भी साथ लिया। चाचा भतीजे की जोड़ी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जमकर प्रचार किया और डिंपल यादव की जीत के साथ न सिर्फ मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने में कामयाब रहे बल्कि बिखरते परिवार को भी काफी हद तक एकजुट कर लिया। अखिलेश यादव अब मिशन 2024 पर हैं। पीडीए फॉर्मूले के तहत बीजेपी का रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। हमारे हिसाब से अभी 10 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा, 10 साल। अखिलेश यादव यूपी में पीडीए प्लान के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2024 पार्लियामेंट में इंडिया का करिश्मा ऐसा चलेगा कि उस इंडिया के करिश्मे में एनडीए खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव के साथी धीरे धीरे एनडीए का दामन थाम रहे हैं, उनके विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, बार बार चुनाव में हार मिल रही है, ऐसे में वो 2024 में मोदी को चुनौती कैसे देंगे? क्या सियासी जमीन पर योगी और मोदी के मैजिक को खत्म करने के लिए अखिलेश के पास कोई बड़ा मंत्र है? यूपी जीतेंगे तभी तो जीतेगी विपक्ष वाली इंडिया।